हेलो दोस्तों, हम में से कई लोग ने कभी न कभी सोने की खरीदी या तो आभूषण के रूप में या निवेश के उद्देश्य से की होगी। सोने की बात करते हैं तो कैरेट शब्द तो आपने सुना ही होगा। क्या आप 24 कैरेट 22 कैरेट के बीच में अंतर जानते हैं? निवेश के लिए कौन सा सोना खरीदना चाहिए? यदि आपके पास इस तरह के बहुत सारे सवाल है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इससे पहले कि हम 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोने के बीच में अंतर समझे, हमको एक के या कैरेट का अर्थ समझना होगा। कैरेट एक यूनिट है जिसका उपयोग सोने के शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। जितना अधिक कैरेट उतना ही शुद्ध सोना। इसे शून्य से लेकर 24 के पैमाने पर मापा जाता है। इसका मतलब है कि उच्च कैरेट के रेटिंग वाले सोने में अन्य धातु के तुलना में अधिक सोना होता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोना होता है। हम सबको पता है कि सोना अपने शुद्ध अवस्था में लचीला होता है। अन्य धातु जैसे तांबा, निकल, चांदी को इसमें ऐड किया जाता है ताकि सोना थोड़ा मजबूत हो सके, जिससे आभूषण बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं 24 कैरेट सोने से। 24 कैरेट सोना सोने का सबसे शुद्ध रूप है। इसका मतलब है कि सोने में सभी 24 हिस्से, मतलब जो 24 भाग है, शुद्ध सोने के ही है। इसमें किसी भी अन्य धातु के निशान नहीं होते हैं। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है और इसका एक अलग ही चमकीला पीला रंग होता है। क्योंकि यह सोना सबसे शुद्ध रूप में है तो स्वाभाविक है कि ये महंगा भी होगा और भारत में हर दिन 24 कैरेट सोने की कीमत उतार चढ़ाव होते ही रहता है। इस 24 कैरेट सोने को मजबूत करने के लिए कोई अन्य धातु नहीं होने के कारण 24 कैरेट सोना काफ़ी नरम होता है, इसलिए यह निवेश के लिए ही उपयुक्त है, ना कि आभूषण बनाने के लिए। इसके अलावा 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरण में भी किया जाता है और इसका कुछ खाद्य पदार्थ में भी उपयोग किया जाता है। अगला है 22 कैरेट सोना। 22 कैरेट सोने का मतलब है कि 24 भागों में से 22 भाग शुद्ध सोने के होते हैं और अन्य दो जो भाग है वो अन्य धातु के होते हैं। इस कैरेट के सोने को 916 सोना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 91.67% शुद्ध सोना होता है, यानी 100% में से 91.6% शुद्ध सोना है और अन्य 8.4% अन्य धातु शामिल है, जैसे कि चांदी, जस्ता, निकल और अन्य मिश्रित धातु होते हैं। 22 कैरेट के सोने में क्योंकि दो भाग अन्य धातु होते हैं, उसके वजह से ये सोना थोड़ा सख्त होता है। इससे सोने के आभूषण को अधिक मजबूती मिलती है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 22 कैरेट सोने का उपयोग सादे सोने के आभूषण बनाने के लिए ही किया जाना चाहिए। वो जो आभूषण है जिसमें काफ़ी सारे रत्न जड़े हुए रहते हैं, जिसको हम स्टडेड ज्वेलरी कहते हैं, वो आभूषण 22 कैरेट में बनना मुश्किल है क्योंकि वो उतना ज़्यादा सख्त नहीं होता है कि उनमें जेम्स या ये प्रेशियस स्टोन्स जो बोलते हैं उसको उसमें जड़ाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास 18 कैरेट सोना। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है और 25% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी आदि के साथ मिश्रित होता है। 24 कैरेट सोना और 22 कैरेट सोने की तुलना में 18 कैरेट का सोना कम महंगा होता है। 18 कैरेट के सोने का उपयोग आमतौर पर जड़े हुए आभूषण के निर्माण के लिए किया जाता है। 18 कैरेट शुद्धता वाले सोने का रंग हल्का हल्का होता है। भारत में BIS के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सोने के आभूषण, चाहे वो 18 कैरेट हो, 14 कैरेट हो, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट हो, सब पर हॉलमार्क होना ही चाहिए। यह आभूषण का शुद्धता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए 14 कैरेट कैसे रहेगा? 14K585। 18 कैरेट इसे कैसे लिखेंगे? 18K750।
ऐसे बाकी सारे कैरेट्स में भी इसका हॉलमार्क चिन्ह होना चाहिए। आगे हमारे पास है 14 कैरेट सोना। 14 कैरेट गोल्ड में 58.3% ऑफ सोना होता है एंड 41.7 अन्य धातु होते हैं। 18 कैरेट सोने की तुलना में 14 कैरेट अधिक किफायती होने के साथ साथ टिकाऊ भी होता है। तो यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितना परसेंट सोना होता है। जैसे 24 कैरेट इसमें होता है 100% गोल्ड, जिसे हम प्योर गोल्ड बोलते हैं। 23 कैरेट में 95.8% गोल्ड होता है। 22 कैरेट में 91.6% गोल्ड होता है। 20 कैरेट सोने में 83.3% गोल्ड होता है। 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है। 14 कैरेट में 58.3% गोल्ड होता है। 12 कैरेट में 50% गोल्ड होता है। 10 कैरेट में 41.7% गोल्ड होता है। यदि आप सोना निवेश के हिसाब से खरीदना चाहते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि 24 कैरेट के सोने का सिक्का या बार बना के खरीद सकते हैं, या आप इसे डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईएफटी के रूप में खरीदा जा सकता है ताकि इसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।